के वीआर मस्जिद और ज्वेलरी में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां महिलाओं के लिए खास तौर पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। इसी के साथ खास संक्रांति के पर्व पर माघी कलेक्शन का लॉन्च भी किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने बातचीत की है यहाँ के ग्राहकों से, आगे डालते एक नजर। ओरा ज्वेलरी की ओर से हर बार की तरह इस बार भी संक्रांति पर माघी कलेक्शन का लॉन्चिंग किया गया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए विशेष तौर पर हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया था, जहां महिलाओं ने तेलगुल लेकर उखाने लिए और बड़े ही उत्साह के साथ संक्रांति का पर्व मनाया गया। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के पर्व पर जो है हल्दी कुमकुम जो है लेडीज़ की ओर से मनाया जाता है, और ये करीबन महीना भर ये कार्यक्रम जो होता है ये चलता है हल्दी कुमकुम का। और इसी उपलक्ष्य में, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो है ओरा हमेशा की तरह ही यह त्यौहार भी बहुत ही उत्साह के साथ मना रहा है। आज उन्होंने जो है हल्दी कुमकुम का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है। हम देख रहे हैं यहाँ तिलगुल दिख रहा है, साथ ही साथ जो सुहागने होती है उन्हें कुछ चीज़ें दी जाती है, सुहागनों को तिलगुल दिया जाता है, हल्दी कुमकुम लगा कर चीज़ें दी जाती है। वो पूरा कार्यक्रम आज जो है ओरा की ओर से आयोजित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है माघ करके एक ज्वेलरी है, उसका भी यहाँ पे लॉन्चिंग किया गया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ कस्टमर्स हैं, उनसे जानते हैं कि आज जो है ओरा की ओर से हल्दी कुमकुम मनाया गया, आप उसमें शामिल थे, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है, हर फेस्टिवल में हमको बुलाते हैं, उससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं, अच्छा लगता है आने के बाद। ज्वेलर, आप कुछ खरीद रहे थे, क्या खरीदा आपने? मैं मंगलसूत्र देख रही थी, इसके पहले भी मैंने खरीदा है, वो अच्छा निकला है, अच्छा निकला है। क्या बताओगे, आपने भी हल्दी कुमकुम का यहाँ पे जो है लाभ लिया है, क्या बताओगे, कैसा लग रहा है? ओरा हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है और अपने कस्टमर को भूलती नहीं है, हर एक कस्टमर को बुलाती है, फ़ोन करके बुलाती है, और इनके डिज़ाइंस बहुत यूनिक रहते हैं और स्टाफ भी बहुत पोलाइट है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है कस्टमर्स भी सभी त्यौहारों को ओरा की ओर से जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसे उसमें शामिल होते हैं, और उसे पूरे उत्साह के साथ वो भी मनाते हैं और इसमें शामिल होकर यहाँ आकर वो भी खुशियाँ बटोरते हैं। तो और क्या क्या चीज़ें यहाँ होने वाली है ये हम जानते हैं यहाँ के ब्रांच मैनेजर राहुल पद्मावती, इनसे चलिए मेरे साथ। तो हम देख रहे हैं कि ओरा ने आज संक्रांति के उपलक्ष्य पर जो है माघी कलेक्शन का भी लॉन्च किया है, ये क्या है ये जानते हैं यहाँ के ब्रांच मैनेजर राहुल पद्मावती, इनसे क्या बताओगे सर? संक्रांति के शुभ मुहूर्त पर आपने और एक गहना जो है लॉन्च किया, एक ज्वेलरी लॉन्च की है, क्या बताओगे? आज हमने माघी कलेक्शन लॉन्च किया है, जिसमें जो डायमंड की सेटिंग की है उसमें मार्किस शेप के हमने डायमंड ऐसे सेट किए हैं कि जो पतंग के आकार के दिए हुए हैं और जिसकी शोभा देखते ही बनती है। तौर पर जो हम देख रहे हैं कि हल्दी कुमकुम जो महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है वो उसका भी आयोजन किया था, क्या मतलब किस तरह से ये सोचा था आपने कि इस उपलक्ष्य पर ऐसा भी किया जाए? आज के दिन सूर्य भगवान जो है वो अपना राशि छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और जिस हिसाब से नागपुर में पतंग का फेस्टिवल मनाया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज यहाँ पे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। प्लस सूर्य भगवान का जो मकर राशि में प्रवेश हुआ है और पतंग जो रहती है, पतंग के बिना डोर अधूरी रहती है, तो उसी प्रकार जो अपने जीवन है, जीवन में भी हर एक रिश्ता जो रहता है वो एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो सभी के रिश्ते में सुखमय और समृद्धि लेकर मकर संक्रांति आए, उसको देखते हुए हमने हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आज। तो हमने देखा कि संक्रांति के मौके पर तिलगुल भी होता है, पतंग भी उड़ाई जाती है और खुशी का माहौल जो है हर तरफ होता है, और उसी खुशी के माहौल को बरकरार रखते हुए ओरा एक नया कलेक्शन भी लेके आया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हल्दी कुमकुम जैसे कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ किया है, और ग्राहकों के लिए बहुत कुछ ओरा हमेशा ही लेके आता है, उसी तरह संक्रांति पर भी अपने ग्राहकों का खास ख्याल रखते हुए ओरा ने कलेक्शन का लॉन्च करते हुए छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था हल्दी कुमकुम का, खासकर लेडीज जो है इसका लुत्फ उठाते हुए यहाँ दिखाई दिए। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।